नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडूला। राफेल बहुत ही चर्चित मुद्दा है, साथ ही एक ऐसा विषय जिसका नाम चुनावी सीजन में बार बार उठाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जब भी लोग न्यूज पेपर या न्यूज चैनल्स देखते थे तो राफेल के बारे में जरूर सुनते या पढ़ते थे। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लोकसभा चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ क्या लगी? निराशा। चुनाव में मिली भव्य जीत के बाद बीजेपी के लीडरों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। जिस तरह के जनादेश बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिले, उससे सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के सीने चौड़े हो गए। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने चौकीदार चोर का नारा भी बड़े ही जोर शोर से बुलंद किया था, लेकिन उनका ये दाव भी उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के चौकीदार चोर है कि मुहिम के बाद मानो जैसे सब पर चौकीदार बनने का भूत सवार हो गया। सभी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर अपने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू कर दिया था, जिसने कांग्रेस के मुंह पर एक और तमाचा मारा था। पीएम मोदी ने चौकीदार चोर का जवाब एक रैली के दौरान भी दिया था। आप भी सुनिए कि क्या कहा था पीएम मोदी ने इस चुनावी रैली के दौरान। आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपका ये चौकीदार बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन के साथ दिन रात एक कर रहा है। आप अपना विश्वास और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए, क्योंकि चौकीदार की वजह से कुछ चोरों की रातों की नींद उड़ गई है। मुझ पर आपका विश्वास और आशीर्वाद ही एक दिन ऐसा आएगा, इन चोरों को सही जगह तक ले जाएगा। तो सुना आपने कि कैसे मोदी ने बड़े ही सीधे तरीके से कांग्रेस को जवाब दिया। राफेल डील का ताना बाना बुनकर कांग्रेस पार्टी ने उसके मकड़जाल में बीजेपी को फंसाने की तो भरपूर कोशिश की, एक के बाद एक हमले भी बोले। चुनाव के दौरान कांग्रेस जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी से हटकर कब राफेल जैसे मुद्दों पर आ गई, ये उसे खुद नहीं पता चला। फिलहाल जनता को क्या चाहिए? रोजगार, जिसकी बात कांग्रेस ने की ही नहीं। चुनाव में शायद राहुल गांधी को भी डर था कि बिना बीजेपी को फंसाए हम चुनाव जीत ही नहीं सकते। बेरोजगारी, महंगाई और किसान के बारे में किसी ने ना ही सोचा और ना ही उसके बारे में बात की। राफेल का मुद्दा उठाने पर बीजेपी ने उसे ही झूठा साबित कर दिया था। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि सीक्रेसी क्लॉज में फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे पीएम के ऊपर उंगली उठाया, मैक्रोन। आपको याद होगा सदन के पटल पे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने वाली थी, उसी समय राहुल गांधी सदन के पटल पे कहते हैं कि मेरे कान में आके फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कोई सीक्रेसी क्लॉज नहीं है, आप बिल्कुल सब कुछ सरेआम कर दीजिए, बता दीजिए। तुरंत उसके चंद घंटों के पश्चात फ्रांस की सरकार ने एक चिट्ठी जारी की थी और कहा था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी इज लाइंग। वो सब होने के बाद भी द क्लाउन प्रिंस स्टिल हैज द ऑडेसिटी ऑफ होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड लाई थ्रू हिज टीथ। मतलब पुनः झूठ बोलना, एक बार झूठ पकड़े जाने के बाद, यह राहुल गांधी जी की निर्लज्जता है। क्या वो सारी बातें बीते चुनाव की हैं और बीत भी चुकी हैं। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के अलावा विनीत भांडा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से पुनर्विचार के लिए उन्होंने भी 3 याचिकाएं दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं है, डील में मोदी सरकार की भूमिका नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इन याचिकाओं में कोई दम नहीं है। हम नहीं समझते कि एफआईआर या राफेल डील को लेकर किसी भी तरह की जांच के आदेश दिए जाएं। फैसले के बाद एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कांग्रेस को एक बार फिर से आड़े हाथों लेना
शुरू कर दिया। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता में से एक और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टियों ने राफेल मुद्दे का राजनीतिकरण किया, जो उनको नहीं करना चाहिए था, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं रविशंकर प्रसाद भी कहीं पीछे नहीं रहे और वो भी इस बात को बोलते हुए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने भी ये कह दिया कि राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने राफेल केस को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारी सरकार के स्टैंड का विंडिकेशन हुआ है इस फैसले के परिणाम स्वरूप, बल्कि हमारी सरकार की जो डिसीजन मेकिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। और राफेल के संबंध में जो भी निर्णय लिया गया था वो पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर लिया गया था और साथ ही डिफेंस प्रिपेडनेस की अर्जेंसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था, राष्ट्रहित में यह फैसला था। और मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेडनेस से जुड़े हुए मामलों का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन विडंबना यह रही है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि फैसला आ चुका है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं और जिन लोगों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है अथवा प्रधानमंत्री के संबंध में सार्वजनिक रूप से एक बार नहीं सैकड़ों बार अपशब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए अथवा देश की यह जनता उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। तो आपने भी सुना किस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने राफेल मुद्दे पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वैसे किस तरह से तुरंत कांग्रेस को घेरना और आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तो आज का दिन राजनीतिक जगत में कुछ ऐसी हलचल लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को सुप्रीम राहत दे दी तो वहीं कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अब कौन सा मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा जाए। हालांकि मुद्दे कई हैं जिन्हें कांग्रेस को शायद उठाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस से चूक हो गई। अब विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर वो कौन सा नया मुद्दा लाकर बीजेपी को घेरती है और सत्ता हासिल करने की इस रेस में बीजेपी से आगे निकलने की होड़ में क्या चीजें नई पहलू वो रखती है बीजेपी खिलाफ। इसी के साथ मैं कीर्ति मंडूला लेना चाहती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। शुभ रात्रि।